असुरक्षित हीराकुद बंध यहाक बढ़ी चिंता। हीराकुद बंधर मूलदुआ और फाउंडेशन ग्यालेरी सृष्टि फाट पूर्व नदीबंधर गेट सेफ्ट उभय बाम और डाण पार्श्व स्पिलवे स्लुइस ब्यारेल समस्या अच्छी। 1999 मसीहा एजावत हीराकुद बंधर स्थित को नहीं कौन प्रकार सर्वे करदीबंधर सुरक्षा नहीं ड्याम सुरक्षा मुख्य जंत्री बुर्लास्थित महानदी अवबाहिका मुख्य जंत्री रिपोर्ट तलब कर चलित थर महानदी सिस्टम में होता बनापी छत्तीसगढ़ को दायी कर राज्य सरकार जल नीति को नहीं अनेक प्रश्न उठी। हीराकुद बंध असुरक्षित हो पड़ा नहीं राजनैतिक विशेषज्ञ माने प्रतिक्रिया रखिछन्ति। बीजेपी नेता पृथ्वीराज हरिचंदन कहिछन्ति हीराकुद बंध मूलद्वारे फाट होइतिबा सत्य होइथिले भयंकर राज्य सरकार ए बाबदरे स्पष्टीकरण देबार आवश्यकता अछि। अपरपक्षरे कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा अभियोग करिछन्ति हीराकुद बंधर सुरक्षा को नहीं राज्य सरकार कौनसी पदक्षेप नेउनाहन्ति। बंधर सुरक्षा को समयोचित पदक्षेप न नेले भुसुडी पड़िब एबे केवल महाप्रभु ही साहा। तेज बीजेडी सांसद मुना खां राज्य सरकार स्पष्ट जलनीति बाबद तेज विभिन्न समय हीराकुद बंधरे फाट होता है मरामती है साधारण क्रक रही ड्याम प्रति विपद नुहे जलसंपद विभाग अवसरप्राप्त सर्वोच्च जंत्री रमेश त्रिपाठी अत्याधुनिक ज्ञानकौशल ड्यामर निरीक्षण होता है से कहते बंधरे जो तार फाउंडेशन फाट आसवा कथा जदि यह सत्य होता है ताकु विभाग तरफ किंबा हीराकुद्र जो जल परिचालना करती जो अधीक्षण जंत्री अच्छा से तरफ पूरापूरी भाव स्पष्ट चित्र देना जदि यह सत्य होता है यह निश्चित भाव में एक भयंकर कथा मुझे भावुची राज्य सरकार ए बाबद एक स्पष्टीकरण तुरंत दवा आवश्यकता अच्छे से भितर फाट हो बारंबार ये कथा उठू से चीफ इंजीनियर मध्य ये लेखिकर दे किंतु राज्य सरकार ताऊपर किसी स्टेप स्टेप नौ ना सेमती किसी ना सरकार नीति ठीक अच्छी बहुत जिनस जमी आम छत्तीसगढ़ भी पा समस्या हो गला से बिना इतर बेरेज तैयारी करदे कि जो हेवी रेन है बर्षा बढ़ीगला से उल्टा आमको रिक्वेस्ट कले जल्दी पा छाड़ू पा छाड़ू। हीराकुद भाया डैम्रे पर्टिकुलाली जो कंक्रीट पोर्सन मैसनरी पोर्सन से क्राक्स डू एक्जिस्ट हवा स्वाभाविक एटा 74 लक्ष्य करागला से ट्रीटमेंट कराई केतक जदि एटा नॉर्मल क्राक भाया रही डैम रो सेफ्टी प्रति कौन विपज्जनक अवस्था ना। हीराकुद बंधर मूलदुआ और फाउंडेशन ग्यालेरी में फाट सृष्टि पूर्व बी नदीबंधर गेट सेफ्ट उभय बाम और डाण पार्श्व स्पिलवे स्लुइस ब्यारेल समस्या अच्छी। तबे जो कथा अभियोग हो 1999 मसीहा पर जाए हीराकुद बंधर स्थित को नहीं कौन प्रकार सर्वे करा चिंता समस्त मन में वर्तमान एनेक अधिक आलोचना करवा सीनियर करेस्पंडेंट महेश प्रसाद नंद अच्छा समस्त फोन लाइन में। महेश हीराकुद बंधरे जो फाट कथा वर्तमान सामना को आसुची केते गुरुतर फाट एने की विशेषज्ञ कौन कहते वर्तमान हीराकुद्र स्थिति नहीं सेचन जो प्रमुख माध्यम पाल्टी हीराकुद नदीबंध एवं नदीबंध पावर हाउस ग्यालेरी रे जो पाछो जे जो फाट एबे गुते चिंताजनक रखि जे एवं चिंता सृष्टि करै छी एवं ता सहित पाछो जे नदी और हीराकुद नदीबंध और जो नदीबंध रे फाट देखा छी ये निश्चित भाव रे एरो एरो जो स्थायित्व नदीबंध रो स्थायित्व एक बड़ चैलेंज सृष्टि होइ छी एवं जो देखा जइबो आपन जो देखैबा जे देखा जइबो ताले ये जो नदीबंधर गेट सेफ्ट एवं उभय डाहाण एवं बाम पार्श्व जो स्पिल हुए स्विच ब्यारेल समस्या मध्य रही कारण 1999 मसीहा पर कौन सर्भे होना ये नहीं नदीबंध सुरक्षा दायित्व दीता मुख्य जंत्री से गभीर उद्वेग प्रकाश करम से बुर्लास्थित जो महानदी अवबाहिकार जो मुख्य जंत्री रही रिपोर्ट तलब कर एवं आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जानुरी 2020 मसीह ड्याम स्वीकृति रिव्यू पैनल सदस्य मैंने हीराकुद नदीबंध परिदर्शन करते जो परिदर्शन करते किसी परामर्श देते परामर्श था जे जो कमिटी जो नदीबंध सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा करके ऑपरेशन गैलरी फाउंडेशन गैलरी गेट सेट उभय डाहाण और बाम पार्श्व स्किल स्लुइस ब्यारेल जो देखाई है फाट समस्या स्थिति निर्धारण करने सहित प्रतिक्रिया परामर्श देते परामर्श जहां जे
नदी बंध स्टील डाउन स्ट्रीम भाग में छाट स्थिति को निर्धारण करने से ड्रोन साहय सर्भे करवा जल भंडार जो पार्श्व रही कंक्रीट स्टील छाट जहाँ रही तार जेहतु प्रत्यक्ष भाव में निरीक्षण करवा संभव जेहतु ना तेणु पा भितर भिडियोग्राफी कर तार स्थिति निर्धारण हो एवं गेट ऑपरेशन में जो ग्यारे रही पूर्व फाट गुड़ अवस्थार स्थिति को निरीक्षण करूतन फाट किसी सृष्टि हबार संभावना कि किसी सीपेज किसी निर्गत होपे जदि निर्गत हो तार जब किसी बढ़ी से नियमित तदारख करी यार रेकर्ड गुड़िक एसपीएस को विधिवध भाव में सूचना प्रदान करे सूचित करेंगे प्रति पांच वर्ष अंततः थे नूतन भाव में सर्भे जो नूतन फाट जहाँ रही नूतन फाट और जो सीपे स्थिति को समीक्षा करेंगे कि दुख कथा जानुरी 2020 मसीह जेहतु कमिटी आसने से स्थित अनुधान कले और हीराकूद नदी बंधर कि सुरक्षा नहीं परामर्श दे दुख उद्वेगर कथा हूँ 2020 मसीह पर कमिटी गस्त पर हीराकूद नदी बंधर फाट सीपे ए संपर्कित अगर समस्या जो प्रतिकार जो पदक्षेप ग्रहण करोसी रिपोर्ट अर्थात कौन सूचना एसटीएस निकट में ना तेणु नदी बंध सुरक्षार स्थिति अनुधान पाई स्वतंत्र निरीक्षण व्यवस्था करेंगे चिठी निर्देश रही तेणु सबुठ बड़ कथा हूँ जेहेतु ये जो हीराकूद नदी बंधर ये जो सुरक्षा सुरक्षा स्थायित्व को लेकिन चैलेंज तो सही कारण पूर्व आप जानते 2014 मसीह जो नदी बंधर जो बुर्ला पावर हाउस गैलरी गोटे बड़ बड़ फाट दृश्यमान होता सेत सीपेज जहां बाहर नदी बंधर स्थायित्व नहीं प्रश्नवाची सृष्टि कर फाट प्रश्नवाची सृष्टि करीराकूद नदी बंधर स्थायित्व को नहीं अच्छा महेश 1957 रु यह कार्यक्षम है हीराकूद बंध कथा आम कहे से रन करते वर्ष पर सठिक ढंग से सर्वे न करा सर्वे कर मरामती न करा स्थायित्व नहीं तो प्रश्न उठवाटा स्वाभाविक एवं जेहेतु गोटे बड़ बंध वर्तमान बृहत्तम बंध हिसाब से परिगणित हो संपूर्ण मटी या तो यार रक्षणाबेक्षण कौन के बर्तमान करें कि मत मिली आपन को पूर्व कारण हीराकूद नदी बंधर सुरक्षा नहीं बारंबार जो जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री को प्रश्न करवोच्च जंत्री मैंने कहते हीराकूद ड्याम जो सेफ्टी जहां रही सेफ्टी जो नियम रही से अनुसार कार्य करेणु जो फर्म रूल रही स्वतंत्र समिति रही से जगह मत जे जंत्री होती से जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री अनुधान कर तेणु तमाम जो टीम ताक मनिटर करेणु ये सब भितर ये जो जेहतु कारण जो जेहतु ये जो सुरक्षा कथा उठी तेणु ये फाट सृष्टि कारण विशेषज्ञ कहवा कथा कारण नियमित रूप में फाट सृष्टि होता है विभिन्न जो लाटेस्ट टेक्नोलोजी अनुसार बारंबार हीराकूद बन्या जल निष्कासित बारंबार बन्या आसुच्छी हुए तो फाट बन्या जल जो ही अन्य पक्ष पुणी परवर्त समय बन्या आसुच्छी विपद के निश्चित कारण जदिओ कारण ये फाट फाट रही ठीक है फाट जो समय देखा ठीक से मेंटेन न करा जाए मरामती करा ना जाए जहां जो लाटे जो टेक्नोलोजी रही व्यवहार कमिटी जो सुपारिश करते से सुपारिश अनुसार जब काम करम न करे निश्चित भाव कारण उपर मुंड जो पा आसला कारण बर्तमान जी कहो जो चलित बना जो स्थित सृष्टि कला नियम जी अच्छी अधिक पा स्टोरेज करा अधिक पा जी स्टोरेज कले नदी बंध उपर अधिक प्रभाव पड़े तेणु ये सामग्रिक प्रक्रिया जी आप नजर रखा दृष्टि से रखी हीराकूद ड्याम कर्तृपक्ष जल संपद विभाग गुरुत सहित ना दरकार नदी बंधर स्थायित्व गोटे बड़ चैलेंज जेहतु होती प्रभावी प्रतिकार व्यवस्था ग्रहण करा दरकार तेणु ये सब कारण अनेक समय फाट नीति आसे तेणु 2014 मसीह जो फाट आसला तार प्रभावी प्रतिकार कौन है जल संपद विभाग तरफ स्पष्ट भाव में कहुए ना तेणु तार जो प्रतिकार नहीं गोटे प्रश्नवाची सृष्टि
जदि नदी बंधर स्थायित्व गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि करार प्रभावी प्रतिकार व्यवस्था उपर सरकार जल संपद विभाग निश्चित भाव दृष्टि देवा बिल्कुल धन्यवाद महेश सविशेष आलोचना वर्तमान जल संपद विभाग एने की दृष्टि देवार आवश्यकता रही है और याकू नहीं कि राजनीति आरंभ हो गला विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञ एने की प्रतिक्रिया रखुंट किंतु जेहेतु सर्वे टाइम कर आवश्यकता अच्छी जदि सेमती किसी फाट सृष्टि होार मरामती समय अनुसार आवश्यकता अच्छी परवर्ती खबर को आसीबा केन्द्रापड़ा रे हाइड्रामा सामना को आसी अमानवीय प्रेम कहानी श्मशान में स्वामी चिता जलुवा बेले प्रेमिक हाथ धरी चंपट मारा स्त्री राजगंज के भामंडा गांव अभावन दृश्य एवं वायरल होबार लगी स्वामी मृत्यु हो स्त्री प्रेमिक सह फेरार होती दोष नक शिशु मैंने भाग्य को आदरी प्रतिक्रिया रखुंट ए चित्र सामाजिक व्यवस्था भितर निहाती आपण को आंदोलित कर गोटेपटे श्मशान में स्वामी चिता जलुपटे प्रेमिक सह फेरार हो स्त्री प्रेमिकर हाथ धरी गांव फेरार हो जाएगी विधवा स्त्री जिते बड़े गाँ दाण दे प्रेमिक हाथ धरी फेरार होता स्त्री एवं वीडियो तार वायरल घटना एमती जे गत 17 तारीख मंदिर को पूजा करने को जाते गाँवर पूजक रंगाधर दास हेले से आउ घर को फेरी नथिले पांच दिन पर गाँ निकटे सिमिली महारा जोर निकट रंगाधर क्षताक्त मृतदेह को पुलिस उद्धार कर हत्या अभियोग रंगाधर पिलाई अभियोग कर रंगाधर दास पत्नी रत्नमणि अवैध संपर्क को नहीं सबुबले विरोध करुथिले सबुबले घरे झगड़ा लागि रहुथिला केवल सेतिकि नुहे स्वामी को जीवन रु मारिदेबा धमक देथिले पत्नी रत्नमणि और प्रेमिक असित एने एक अपमृत्यु मामला रुजू कर तेरे कहवा कथा बहुत पर प्रेम हुए हेबारे असुविधा भी नहीं किंतु प्रेमिक मनुष्य जदि नृशंस हो जाए तेरे कथाटी चर्चार परिसर को आसवा स्वाभाविक प्रेम संपर्क सृष्टि छमास पर प्रेम संपर्क सृष्टि स्वामी सब जानते सी जो आम शुक्र मान जो दास मरले ता पचरे बहुत कारण अच्छी तीन वर्ष समस्या समाधान बुझुचु गोटे अलग पुरुष सहित तार संपर्क अच्छी बारंबार घर पाक आसे शेषर ताकू थ्रेटिंग भी देता जे दरकार पड़े मुझे मर्डर करदेवि आज से समस्या है से लोकटा को पांच दिन आगु मारिक खबर दिखाई राउरकेला गोयलनगर डी ब्लक रे थिबा एक कोचिंग सेंटर रे लागिला निया अल्पके पर्तिले शताधिक छात्र छात्री पिलांकर कोचिंग क्लास होउथिया समय रे हठात निया लागि जाइथिला अग्निशम विभाग रो दुईटी गाड़ी आसी पहुंचीथिला घटनास्थल रे कोचिंग सेंटर रो स्टाफ एवं किछि स्थानीय लोके प्रथमे निया को आयत्त करबा को चेष्टा करथिले क्लास चालीथिबा बेले हठात निया लागि जाइथिला एवं अल्पके बर्ति जाइथिले बड़ घटना रो छात्र छात्री एने के अधिक आलोचना करिबा राउरकेला प्रतिनिधि शुभम प्रधान अछि अवस्त फोन लाइन रे शुभम वर्तमान रो कोन अपडेट रहुछे घटना रे देखंतु बंदिता निश्चित भाबे कहि परिबा राउरकेला शहर जो कोइलनगर अंचल रहिछि कोइलनगर जो ब्लॉक रे तो घरै शिक्षा अनुष्ठान रे जो कोचिंग सेंटर रहिछि सेठारे एको कोनसी पाठ पढा जाउथिया समय रे कोनसी कारण हो अग्नि कहि पर गोटे अग्निकांड घटीथिला किंतु परवर्ती समय रे कोचिंग परिसर रे शिक्षक एवं छात्र छात्री माने एही अग्निकांड रो भयावह अग्निकांड अल्पके मध्य बर्ती जाइथिया बेले सेठाकार जो रहिछंती छात्र छात्री एवं शिक्षक माने निया को लिभाइबा पई मध्य चेष्टा करथिले एवं स्थानीय लोके मध्य जहा जहा प्रत्यक्ष दर्शी जहा कहिबा अनुजाई से माने कोचिंग सेंटर परिसर भितर प्रथम छात्र छात्री पढ़ुता को बाहर मध्य करथिले तापर परवर्ती समय रे राउरकेला अग्निशम विभाग को मध्य खबर खबर देथिले किंतु परवर्ती समय रे अग्निशम विभाग रा दुईटी टीम घटनास्थल पहुंची निया को आयत्त करछंती वर्तमान जदि स्थिति कहबा वर्तमान स्थिति समय
स्वाभाविक रही जी कह कौन कौन कारण अग्निकाण्ड कोचिन परिसर लगला से नहीं तनाघन कर बंदिता बिल्कुल किंतु गोटे बड़ अघटन रु समस्ते बंची जाइछंती जेहेतु गोटे कोचिंग सेंटर रे हठात एमती निया लागी तो से अग्नि निर्वापक व्यवस्था थिला कि नाही किछि सेमिति सूचना मिलु छी हठात केउ कारण पाई निया लागिला देखु निश्चित बंदिता आपड़ जो प्रश्न टी पचार स्वाभाविक भाव जनसाधारण मन प्रश्नवाची सृष्टि किंतु जेहेतु इभली गोटे घटना घटी प्रथम कर यदि कह राउरकेलास रही क्वेश्चन सेंटर रे जो कि छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़िया जाभली जदि घटे तो निहाती भाव में गोटे कहीपर छात्र छात्री मान प्रति विपद रही सौभाग्यवशत जी कह अग्निकाण्ड अल्पके छात्र छात्री बंची जाइंट अल्पके बचिं किंतु क्यों कारण लगला और सेठार अग्नि निरापत्ता रही कि नहीं तो समस्त प्रश्न उपर अग्निशम विभाग तनाघन कराथमिकता अग्निशम विभाग पक्ष किभली भाव में कौन सी छात्र छात्री मैंने अघटन अल्पके बचिंट कहीं मृतात बरम होना जहां सूचना रही वंदिता बिल्कुल धन्यवाद शुभम सविशेष आलोचना वज्रपात दुई मृत तीन गुरुतर मलकानगिरी जिला पांड्रीपा निकटस्थ बाउंसगुड़ा ग्राम से अघटन जमी को काम करने को जाइए वज्रपात होता जहांफल दुईजण मृत्यु होनीज गुरुतर होती गुरुतर मान चिकित्सापी मलकानगिरी मुख्य चिकित्सा भर्ती कर तीन जन सी सत्य आम मलकानगिरी मेडिकल दाइल निजाइलु बेड़ा भितरे बिजुली मारला गोटे जन मरीगला तीन जन मलकानगिरी मेडिकल आने खोर्धार अबकारी विभाग चढ़ाउ 146 ग्राम ब्राउन सुगार जबत कर जड़े निशा बेपारी गिरफ होती घटन विश्व सूत्र खबर पाई अबकारी विभाग खोर्धा ठेंगाहाट निकट चढ़ाउ कर ब्राउन सुगार बेपारी विजय बेहरा को ब्राउन सुगार सह माड़ी बसला अबकारी विभाग जबत ब्राउन सुगार मूल्य 14,60,000 टंका हेबो बोली खोर्धा अबकारी एसपी सूचना देइछंती विजय कुमार बेहरा आगु चेज कर ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆଜି ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ସିଏ କିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ରଖି ଧରି ସେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ତାଙ୍କ ବୟସ ହେବ 42 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାମ୍ତରାପୁର ଠେଙ୍ଗାହାଟ ଛକ ପାଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବରାମଦ କଲୁ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଆମେ ବରାମଦ କରିଛୁ 146 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 15,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସୁଛି ସେ ବସ୍ରୁ ସେ ସେଟାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ଛାତରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖସି ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଟିଏମ୍ର ଛାତରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଖସିବା ଫଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା କଣ୍ଟାପାଳ 2 ନମ୍ବର କଲୋନୀର 20 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଣି ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଟିଏମ୍ ଛାତରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏସ୍ବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଛାତ ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଯାଇଥିଲି ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଉପରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ଥିଲା ସ୍ଲାବ୍ଟା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ଛାତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲାବ୍ ଖସିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଛାତକୁ ଟିକେ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେଇଟା ଯେ ସେ କାହିଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇ ଥିଲା ଆମର କରିଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇଲେ ପାଣି ବି ବର୍ଷାରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଛୁ କରିବା କହିଲେ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଫିମ୍ର କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ବାଡ଼ିକି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ସାଙ୍ଗେ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ତାପରେ ସଟର୍ଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଶା ହେଲେ କି ଭାବି ଭାବିନଥିଲି ଏଟାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶ କେମିତି କ'ଣ ବେଳା ଖରାପ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁଥଳା ବ୍ଲକ କମରଲଗା ଗାଁ ନିକଟ ଲାନ୍ଥ ନଦୀରେ ଏକ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନଦୀରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ କମରଲଗା ଗାଁ ନଦୀପଠାରେ ରକ୍ତ ଭିଜା ମାଟିଥିବାରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଶରୀରରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲେଗିନ୍ ଏବଂ କାଜୁଆଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜଣେ ପୁରୁଷର ଶରୀର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତଦେହକୁ ନଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପରେ ତାହା ଜଣେ ଯୁବତୀର ବୋଲି ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ସଇଁଥଳା ପୋଲିସ, ଟିଟିଲାଗଡ ଏସ୍ଡିପିଓ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର କଟାମୁଣ୍ଡ ମିଳିନଥିବାରୁ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଗଲା 8 ବର୍ଷର ପୁଅର ଜୀବନ, ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଜଟେସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଜଟେସିଙ୍ଗା ଗାଁର ନରୋତ୍ତମ ବେହେରା ଖାଇସାରି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଶୋଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷଧର ସାପ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ ବେହେରାକୁ ହଠାତ୍ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରବଣଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ, ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଚାରିଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସହରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋନପୁର ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ତା'ର ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ସୋନପୁର ସହରର 15 ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 14 ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାନଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ଏବଂ ଶୁଣିବାକେ ପାଉଛୁ ସୋନପୁର ଆଉଟସ୍କିଟ୍ରେ ସୋନପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପରିସରରେ ନ କରିକିରି ଏ ଆପଣଙ୍କର କଲାପଥର ମୌଜା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବୁ ବୋଲିଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେହି ଜାଗାରେ ହଉ ବୋଲି 15 ୱାର୍ଡରୁ 14 ୱାର୍ଡ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ ଏବଂ 14 ୱାର୍ଡ ଲୋକ ବୋଲି ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଗା ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଆସିକି ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛେ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେହି ଜାଗାରେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।